उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रेवती थाना क्षेत्र दर्जनपुर गांव में राशन की दुकान की खुली बैठक में दो पक्षों के बीच में गोली चल गई। एसडीएम की मौजूदगी में फायरिंग हुई और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गई हैं। आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। यूपी में कानून व्यवस्था किस कदर चरमरा गई है, इसका नजारा देखने को मिला बलिया जनपद में, जहां दबंगों को न अधिकारियों का डर है न वर्दी वालों का खौफ है। दरअसल मामला रेवती थाना अंतर्गत दर्जनपुर गांव में राशन की दुकान के चयन को लेकर खुली बैठक में था, जिसमें एसडीएम सीओ और एसओ सहित गांव के सैकड़ों लोग मौजूद थे। इसी दौरान दो स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करने वाले आपस में भिड़ गए, जिसके बाद अधिकारियों ने चयन प्रक्रिया को रोक दिया। इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया और दबंग धीरेन्द्र सिंह ने फायरिंग शुरू कर दी। कई राउंड की फायरिंग में जयप्रकाश पाल को गोली लग गई। वहीं इलाज के लिए ले जाते समय जयप्रकाश की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गरीबों को बांटे जाने वाले राशन के कोटे की दुकान के लिए गांव में अक्सर ऐसे विवाद होते रहे हैं। इस पर घटना में जिस तरह भाजपा विधायक के करीबी आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने अधिकारियों की मौजूदगी में फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया, ये घटना यूपी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करती है। अभिषेक कुमार पाल, मैं दूजनपुर का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ आज आपके गाँव में? कोटे को लेकर बैठक हुआ था, उसमें सब एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो डब्ल्यूसी दबंग है उनसे बात विचार हुआ, उसी कहा सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। कौन मारा? डब्ल्यूसी। क्या मारे? 20-25 राउंड मारे। क्या हमारे बीच गोली जी? अब तो पिताजी को कितनी गोली मारी है? 20-25 गोली चलाई गई, जिसमें से दो तीन लगी पिताजी। हाँ, तो क्या अभी जीवित हैं वो? नहीं, मर चुके हैं। घटना पर कौन कौन था वहाँ पे? घटना पर बस हम लोग एक जब घटने की संख्या थी जब गोली चल रही थी वहाँ 500-600 की थी जी। क्या उद्भंग व्यक्ति जो गोली मारा था पकड़ा गया या वहाँ से? नहीं, वहीं पर पकड़ा गया। पकड़ा गया। ये बताइए अधिकारी और पुलिस में कौन कौन था वहाँ पर? एसओ साहब थे और एसडीएम साहब थे और सीओ थे और सब पुलिस थे। तो उनके सामने ही ये सब घटना हुई? उनके सामने ही सब घटना हुई। मरने वाले व्यक्ति आपके कौन है? पिताजी हैं। अधिकारी जो मौजूद थे उनके सामने ही गोली चली? हाँ। क्या चली गोली? मारने वाला कौन व्यक्ति है? धीरेन्द्र प्रताप उर्फ डब्ल्यू सिंह। क्या ये किसी किस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं? सुरेंद्र सिंह से, विधायक हो चुका है और 5 अज्ञात, कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बाकी जो 7 नामजद हैं उनके लिए 7 टीमें बनी हैं पुलिस की, और रात से वो जहां जहां उनके संभावित ठिकाने हैं पता करके और वहां दबिश दी जा रही है। आशा है कि हम लोग तब तक अनवरत रूप से वो करेंगे जब तक आज गिरफ्तारी न हो जाए, ये कंटिन्यू चलेगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। सर, उम्मीद है जो मेन आरोपी है उसकी 24 घंटे या जल्द से जल्द उसकी अरेस्टिंग कर पाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि 24 घंटे नहीं, आज रात तक ही। सर, उसका नाम क्या है जिसकी अरेस्टिंग हुई है? सर, वो कौन है सर, उसके बारे में थोड़ा डिटेल? ये देवेंद्र कुमार सिंह है और ये मुख्य आरोपी के सह अभियुक्त कहे जाएंगे। 8 नामजद जो हैं उसमें और मुख्य आरोपी के चचेरे भाई हैं। मतलब ये साथ में थे? साथ में थे। इन्होंने भी फायरिंग उसके साथ में किया था? घटना में साथ में थे, मारपीट में साथ में थे, और फायरिंग की बात तो केवल मुख्य आरोपी की आई है। बताइए सर घटना के विषय में। आज ग्राम दुर्जनपुर में सरकारी कोटे की दुकान के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी, इसमें दो सहायता समूह के लोग थे। एक सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्लू सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले कहासुनी हुई, जब हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। यहाँ शेष लोग जा रहे थे, इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के अन्य समस्त तथ्यों की जानकारी की जा रही है, पूर्ण करके इसे विधिक कार्यवाही में समस्त की जाएंगी। सर, यहाँ जो है पीएससी की मांग की गई थी ग्रामीणों द्वारा, कोई ऐसी रिपोर्ट और सूचना नहीं है। पर्याप्त पुलिस बल है, यहाँ लगा हुआ है और लगा हुआ भी था,
जैसा भी होगा सब चीज़ों की जानकारी की जा रही है आपको बता।